नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी के सियासी युद्ध इस वक्त चरम पर है। साइकिल दौड़ेगी या फिर एक बार फिर से पंचर हो जाएगी? अगर दौड़ेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? तमाम सवाल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की सियासत, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है। लेकिन सवाल यह कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी की साइकिल क्या इस पर कुछ चल पाएगी? सपा की साइकिल अगर चलेगी तो सारा दारोमदार संगठन के मुखिया पर होगा। प्रदेश संगठन के मुखिया डॉक्टर सचान साहब इस वक्त हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर सचान साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका। धन्यवाद धन्यवाद सचान साहब। साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी या नहीं, इसको लेकर तो तमाम सर्वे ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, एग्जिट पोल, तमाम सब कुछ आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में साइकिल का मिजाज क्या है? कुछ पहाड़ चढ़ पाएगी इस बार साइकिल, लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश का ये भूभाग रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति से उत्तराखंड अछूता नहीं रहता। चूंकि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण दोनों प्रदेशों के एक जैसे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में अपने सभी 70 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन उस समय क्लाइमेट विपरीत था। बर्फ पड़ रही थी, पानी हो रहा था। हमारे 14 प्रत्याशी अपने नामांकन नहीं करा पाए। 56 प्रत्याशी हमारे मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी की साइकिल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमने पिथौरागढ़ की चारों विधानसभाओं, अल्मोड़ा की 6 विधानसभाएं, रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभाएं, चमौली उत्तरकाशी की अधिकतर विधानसभाएं, पौड़ी की सभी विधानसभाएं 4, तो मैं समझता हूं कि साइकिल हमने पहाड़ में चढ़ा दी है। चढ़ा दी, और 21 सालों में चढ़ गई साइकिल। हाँ, साइकिल चढ़ गई है। 21 साल में पहली बार साइकिल आप चढ़ा रहे कप्तान जी, और साइकिल चढ़ करके वो दौड़ने का भी प्रयास कर रही है। दौड़ने का प्रयास ये कर रही है कि 2002 में जब चुनाव हुआ था उस समय हमने 65 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था जी, और इस बार अगर क्लाइमेट सुटेबल रहता तो सभी 70 जगह हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ते। अब 56 है ना, अब तक 56 हो, 56 में जब हम लड़ रहे हैं तो अगर हम देखें तो साइकिल चढ़ गई है। साइकिल को हमें केवल दौड़ाना है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी, मुझे एक बात बताइए। आप देखिए, बहुत लंबे अरसे से आप संगठन को संभाल रहे हैं, आपने पार्टी का डंडा और झंडा उठाए रखा, मुश्किल हालात में भी, मुश्किल वक्त में भी, उत्तराखंड के संदर्भ में कह रहा हूं मैं आपसे, लेकिन दिल पर हाथ रख के बताइए कितनी उम्मीद है दिल पर और किन सीटों पर उम्मीद है? देखिए, हरिद्वार की 4 सीटें हैं। कौन सी? इसमें ज्वालापुर है, लक्सर है, झबरेरा है और शहर है। ये 4 सीटें समाजवादी पार्टी की फाइट डायरेक्ट बीजेपी से है। इसी तरीके से हमारी उधम सिंह नगर में हमारी 4 सीटें जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट फाइट है। हम पिथौरागढ़ में भी 2 सीटें DDR और धारचूला, वहां पर हमारा डायरेक्ट फाइट हो रहा है। हल्द्वानी हम जीत रहे हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी सदन के अंदर पहुंच करके और सत्ता की चाबी समाजवादी पार्टी के पास। अच्छा, आप ये कह रहे किंग नहीं तो किंग मेकर बनेंगे? पहले तो हमारा प्रयास होगा कि हम किंग बने। किंग बने, हम किंग नहीं बनना चाहते, हम यहाँ के सेवक बनना चाहते हैं। बेसिकली अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आपका इतिहास ये है कि आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। बिल्कुल सही है, हम एक भी सीट हम, लेकिन 2004 में हमने एक लोकसभा, 5 लोकसभा सीटें हैं,
एक लोकसभा हम जीते थे 2004 गंगा में पानी बहुत बह गया। नहीं नहीं, गंगा में पानी बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, गंगा में पानी बहुत बह गया। और जो हमारे ऊपर चार्जेस लगे थे रामपुर सिहा का, जो हमारे ऊपर चार्जेस लगे थे कि हम यहाँ पर हम उत्तराखंड के विरोधी हैं, जी वो धुल गया है। कैसे? क्या मुजफ्फरनगर कांड धुल गया, रामपुर? वही बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर चार्जेस नहीं, नहीं, क्या वो चार्जेस झूठे थे? नहीं, बिल्कुल झूठे थे। क्यों? आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, खंडूरी जी का वो पत्र हमारे पास है जिसको हमने पब्लिक कर दिया है और 6 महीने पहले पब्लिक कर दिया था, जिसमें तत्कालीन सांसद माननीय खंडूरी जी ने ये लिखा था कि दिल्ली 2 अक्टूबर को भूतपूर्व सैनिक हथियार लेकर के पहुंचे हैं। और कल अभी हमारी वार्ता हो रही थी आंदोलनकारियों से, आंदोलनकारियों ने कहा था कि जो दोषी हैं अधिकारी और जो लोग राजनेता 21 वर्षों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने, उनको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये दर्द आंदोलनकारियों का है, ये दर्द समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, डॉक्टर सचान साहब, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, आपको उत्तराखंड विरोधी कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि आपने रामपुर तिराहा कांड, बार बार हर मंच पर ये याद दिलाया जाता है, 2 अक्टूबर की घटना, मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, उसमें सब तौर पर आप ही की भूमिका को संदिग्ध माना गया। देखिए, जो आप संदिग्ध शब्द प्रयोग कर रहे हैं जी, वो वास्तव में संदिग्ध इस वजह से था कि उसके असली कल्पित भारतीय जनता पार्टी थी, उसके असली कल्पित राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह उसके असली कल्पित मायावती थी, मायावती को वहां बुआ सिंह, वो DIG था, राजनाथ सिंह का जो DM था वो उनका चहेता था। गोलियां मुलायम सिंह के आदेश पर नहीं चली? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुलायम सिंह के आदेश पर चेकिंग हुई होती तो कुमाऊं मंडल के भी मुरादाबाद में चेकिंग की जाती। मैं बताना चाहता हूं, दीपचंद शर्मा जो DCP दिल्ली, उनका पत्र है, उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खंडूरी जी ने एक पत्र लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक हथियार लेकर के आए, उसी के आधार पर यहाँ पर रामपुर में, यहाँ पर कुमार जो गढ़वाल मंडल से गए थे उनकी चेकिंग हुई। और अगर माननीय नेताजी का अगर पत्र होता, अगर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव का पत्र होता, तो मुरादाबाद के भी लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाते। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि वो पत्र अगर न होता तो रामपुर तिराहा कांड न होता। और मैं वो बता रहा हूँ, मैं वो साजिश थी, बिल्कुल बिल्कुल साजिश थी। मालती शर्मा जो राज्यसभा मेंबर थी मुजफ्फरनगर की, वो वहां इमीडिएटली एपीआर हो जाती है, वहां पर CRPF लगी थी, CRPF उत्तर प्रदेश की नहीं थी, CRPF केंद्र की होती है। ये चीजें मैंने खुलासा कर दी हैं और मैंने कहा है कि उसका असली दोषी, चूंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती की सरकार गिरानी थी, मायावती BJP के चंगुल में थी, और उसके बाद चूंकि इसके पहले कल्याण सिंह एक बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो सत्ता का स्वाद चख चुके थे BJP, इस वजह से पुनः सत्ता में आना चाहती थी, अल्टीमेटली सरकार गिराई। रामपुर तिराहा का अफसोस है आपको? रामपुर तिराहा कांड BJP, राजनाथ सिंह, खंडूरी जी और मायावती के देन है, समाजवादी पार्टी का। आप खंडूरी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? खंडूरी जी का नाम क्योंकि वो पत्र छप चुका है, 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं, और वो किताब लिखने वाले वो मैदान के लोग नहीं है, वो पहाड़ के लोग हैं, उपरेती हैं, भक्त हैं, ऐसे लोगों ने, एक अर्चना डिमरी है, उसने किताब लिखी है, उस किताब में खुलासा किया है कि अगर पत्र न होता, जयसिंह रावत एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि अल्टीमेटली जो रामपुर तिराहा के जो दोषी है उनको न्याय कब मिले, उनको कब मिलेगा, जो आंदोलनकारियों को न्याय कब मिलेगा, उन्होंने अपने लेख में लिखा है। जयसिंह रावत उत्तराखंड के बहुत बड़े पत्रकार हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अफसोस है तो आप लोग सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगते रामपुर? देखिए, माफी हमने, आप तो माफी मांगी ना? नहीं, हमने कुछ किया नहीं है,
उसके बावजूद भी माफी मांगी, माननीय नेताजी ने माफी मांगी, जब कुछ न करने के बाद हमने तो उस दिन भी माफी मांगी थी। लेकिन माननीय नेताजी तो ये कहते हैं ना कि मैं कभी पक्ष में था ही नहीं कि उत्तराखंड बने, वो तो देखे, हर मंच पर कहते हैं देखे, कि मैं कभी भी छोटे राज्य के पक्ष में नहीं। देखिए वो भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी, वास्तव में जो छोटे राज्य नेताजी ने बिल्कुल सही कहा था, नेताजी बिल्कुल पक्ष में नहीं थे और नेताजी ने ही कौशिक समिति बनाई थी जी। और कौशिक समिति बना करके 8 पर्वतीय जनपदों के राज्य की कौशिक समिति में रिकमेंडेशन थी। कौशिक समिति देश का पहला रेफरेंडम था जो किसी राज्य को बनाने के पहले किया गया और उसमें गैरसैंण राजधानी थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, जब राज्य बना तो उस समय क्या हुआ, गैरसैंण 3 राज्य बने, उत्तराखंड को राजधानी नहीं दी गई, राजधानी विहीन राज्य दे दिया गया, उसके 2 दूसरे राज्य थे उनको राजधानी दे दी, इसमें मैदानी क्षेत्र जोड़ दिया गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ का हेट्रोजीनस एक जो राज्य बनना चाहिए, जो राज्य बनने का एक तार्किक और एक वो एक पैरामीटर होता है उसको स्वाइप किया गया। अच्छा डॉक्टर सचान साहब, देखिए चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, एक नैरेटिव सेट करके चुनाव लड़ा जाता है, आप तो मानते ना इस बात को, एक परसेप्शन होता है, एक नैरेटिव होता है, वो नैरेटिव जो है, जो खास तौर पर बीजेपी ने यही कहा ना कि रामपुर तिराहा कांड करने वाले, मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड, मसूरी गोलीकांड, एक नैरेटिव सेट कर दिया समाजवादी पार्टी को लेकर। मैं आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रहे जो अब हमारे बीच में नहीं, मैं विनोद भरद्वाज जी का जिक्र करता हूं, उन्होंने भी आप ही की तरह डंडा और झंडा उठाया, वो नैरेटिव जो सेट था ना परसेप्शन, उसको आप अब तक बदल नहीं पाए, आप मानते कि नहीं? देखिए अब बिल्कुल बदल गया है, लोग पहचान गए हैं और लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोग कि कौशिक समिति वाला राज्य हमें चाहिए था और कौशिक समिति माननीय नेताजी ने बनाई। कौशिक समिति अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री कौशिक समिति के रिकमेंडेशन देख लेते, कौशिक समिति के रिकमेंडेशन यहाँ की जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहेंगे अगर वो देख लेती, उसमें प्रदेश का कैसे विकास होगा, रोड मैप डेवलपमेंट का क्या होगा, ये उसमें सब चीज है। लेकिन जो बात गए कि 21 वर्षों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्होंने कौशिक समिति उठाने की जहमत नहीं उठाई। चलिए अब आपके मुद्दे क्या होंगे, आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के, आम आदमी पार्टी को छोड़ के, उत्तराखंड क्रांति दल को छोड़ के डॉक्टर सचान पर विश्वास क्यों जताए? क्या उसके मुख्य 4 कारण है। क्या कारण है? प्लान का जो रोड मैप है समाजवादी पार्टी के पास है, वो बीजेपी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है, और आपका तो मैं इस वजह से नाम नहीं लूंगा, एक म्युनिसिपलिटी का चीफ मिनिस्टर जो बन गया, 22 करोड़ का जो प्रदेश का जो 80 सांसद यहां से आते हैं उसके बात पर लोग विश्वास करेंगे या एक म्युनिसिपलिटी के चीफ मिनिस्टर पर विश्वास करेंगे, तो आपका मैं जिक्र नहीं करूंगा। जाप पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके कार्यशैली से, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई, आरएसएस के आइडियोलॉजी पर चलने वाली केजरीवाल है, तो बेसिकली उसका मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। और उनको ये नहीं मालूम, उन्होंने फ्री बिजली और जो चीजें की वादा किया है वहां पर रेवेन्यू और उत्तराखंड का रेवेन्यू, उत्तराखंड पे उनको ज्योग्राफी नहीं मालूम, उत्तराखंड का उनको इतिहास और भूगोल नहीं मालूम। आप अपना बताइए ना। देखिए मैं अपना बता रहा हूँ, हमारा विजन ऐसा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी के तो मैं जिक्र इस वजह नहीं करता कि मैं उसको पार्टी नहीं मानता, वो तो बीजेपी की भी टीम है। और मैं अपना बता रहा हूँ, सबसे पहला पलायन रोकने का जो 1768 गाँव खाली हो गए, रिवर्स पलायन, और रिवर्स पलायन का मॉडल समाजवादी पार्टी के पास है। हम हर जिले में मिनी सिडकुल, जिस तरीके से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में सिडकुल स्थापित किए गए हैं, हर जिले में मिनी सिडकुल होंगे, बिल्कुल सिडकुल लगाएंगे, मिनी सिडकुल, हाँ सिडकुल लगेगा वो। मैंने सर्वे किया है, मैं बॉप्टिस्ट रहा हूँ, मेरा पूरा रिसर्च होता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हर जिले में, मतलब हर जिले में 13 सीट मिनी सीट कुल,
मिनी सेक्टर की बात कर रहा हूं, जिसमें 1000 लोगों का वही जो लोकल प्रोडक्ट है उनसे हम वहां पर इस तरीके की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके साथ साथ 1000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो प्लान कैसे होगा। और इसके साथ साथ आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इन 21 वर्षों में नैनीताल मसूरी के अलावा कोई पर्यटक स्थल डेवलप किया? नहीं, मैंने देखा है तो समाजवादी पार्टी का हम इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे और पर्यटन का उद्योग का दर्जा देकर जो उत्तराखंड के जो एनआरआई हैं, उत्तराखंड के जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे कि यहाँ पर अच्छे होटल बनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, वहां पर हर 25-30 किलोमीटर पर एक हमारा कॉटेज होगा जहां पर लोग विश्राम कर सकें जो पर्यटक आएंगे। और इसके साथ साथ हम पर्यटन और तीर्थाटन को अलग अलग परिभाषित करेंगे। तीर्थाटन जब होता है, पर्यटन केवल कुछ समय होता है। हम चाहेंगे कि हम इसको स्विट्जरलैंड की तरह डेवलप करें और वर्ल्ड मैप में हम उत्तराखंड को लाना चाहते हैं। यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता हम उसको बढ़ाएंगे। और आप देखिए लाइव में कमेंट आया है, कह रहे डॉक्टर सचान साहब आप एक कम से कम रैली तो करवा दीजिए अखिलेश जी की, वर्चुअली करवा दीजिए। देखिए अभी कल अखिलेश जी ने लखनऊ से उत्तराखंड का पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा पत्र जारी करते हैं, आज पढ़ लीजिए उसे, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और चूंकि एक बहुत बड़ा लड़ाई उत्तराखंड, मैंने कहा कि उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश है देश की राजनीति बदलता है, हमें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी और मोदी को वहां पटाना है। यूपी में तो आपके विरोधी है कांग्रेस, आपको यहाँ कैसे लगती है आम आदमी पार्टी? देखिए कांग्रेस, माफ करिए, आम आदमी पार्टी से आप बहुत गुस्सा है, कांग्रेस कैसी पार्टी लगती है आपको? देखिए कांग्रेस यहाँ पर बेसिकली अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है और उस आंतरिक कलह से जो कांग्रेस को रोल निभाना चाहिए था, जिस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियों को उत्तर प्रदेश में दूर रखने के लिए, अब देखिए ये मैं व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं करता हूँ, इस वजह से क्योंकि मैं पार्टी हमारे मित्र भी रहे हैं अब भी हैं, लेकिन व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस में जो अंतर कलह है और उस अंतर कलह को जो रोल कांग्रेस को सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए निभाना चाहिए था, कांग्रेस उसमें तो किंग मेकर की भूमिका में है, तो फिर मुझे ये बताइए तो फिर किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए सरकार तो मैंने बताया ना कि हाँ, नहीं ये मैं ये चुनाव के बाद निर्णय होगा। बीजेपी को तो किसी भी तरीके से हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी सोचते में भी सपना नहीं ऐसा आएगा, क्योंकि अगर देखिए वो तो चुनाव के बाद क्या रिजल्ट होगा, क्या करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार सदन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी और इस वजह से दर्ज करेगी, लोग समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, लोग अखिलेश यादव जी को चाहते हैं। उत्तराखंड में किसे मुख्यमंत्री बनता? देखिए उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, सर आप देखिए मैं वही बता रहा हूँ, नहीं आप जो आपने किसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमारे विधानमंडल दल के जो नेता होंगे, जो विधायक चुन करके आएंगे वो भी रह लेंगे। उत्तराखंड में विधायक बचते कहाँ हैं सर, आप जानते हैं? देखिए वो हमारे जो जीत करके आएंगे, अभी आप 10 मार्च का इंतजार करिए, 10 मार्च को आपको मालूम हो जाएगा। तो आप हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए मैंने कहा कि मैं अभी इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेगा और लेंगे, और वो निर्णय वही सर्वोपरि होगा, हमें किसको सपोर्ट करना है, बीजेपी को छोड़ करके क्या हमें करना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। और हम यहाँ पर एक ऐसी बहुमत, इतने लोग विधायक हमारे जीत करके आएंगे, 56 हमने कहे थे, 56 में अगर हमारे 40% जीत जाते हैं तो हम सत्ता के बहुत नजदीक हो, 40% मैंने कहा, 40% कहा, 56 के 40%।
21 सालों में एक भी नहीं आया सर। नहीं, अरे हमने लोकसभा जीती है, हमने जो है 7% 8% हमारा वोट बैंक रहा है। लेकिन ये वोट बैंक तो बीएसपी से कम है ना। बीएसपी का वोट बैंक बीएसपी पूरे देश से समाप्त हो रही है। बीएसपी की आइडियोलॉजी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी 8-8 विधायक आए बीएसपी। मैं मालूम है वो 8 विधायक जो थे 2002 में आए थे वो 6 हमारी पार्टी के थे। वो चूंकि पहला प्रबंधन हमारा गड़बड़ हो गया। 2007 में भी उनके विधायक। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। सुरेंद्र राकेश समाजवादी पार्टी में था, राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी में जो वो थे, कई ऐसे जो थे हमारी समाजवादी पार्टी के ही निकले हुए थे। यहाँ पर कांग्रेस में कई नेता समाजवादी पार्टी के निकले, मुन्ना चौहान समाजवादी पार्टी में रहे हैं, मंत्री प्रसाद मथानी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। ये तो चूंकि समाजवादी पार्टी को एक गलत तरीके से बदनाम किया गया जिसका हम दम। ये भी तो झंडा छोड़ के चले गए थे ना। देखिए वो मैं चूंकि जो लोग छोड़ गए उन पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 3 दिन पहले डालीगंज एयरपोर्ट आए थे, उनको सहारनपुर के रैली में जाना था, संसावा में उनके प्लेट को उतरने नहीं दिया गया था, डालीगंज में उतरे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी, और इसी वजह से जो घोषणा पत्र जारी किया है उन्होंने कल लखनऊ से, ये पहली बार हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ से घोषणा पत्र निर्गत करते हैं और उनके द्वारा सजग किया गया है। और वो घोषणा पत्र में हमने यहाँ की जनता की नब्य टटोल ली है, यहाँ के लोगों की बात कही है। यहाँ मैं चकबंदी की बात करना चाहता हूँ। 21 वर्षों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चकबंदी नहीं करा पाई। हमने वादा किया है हम चकबंदी कराएंगे, और चकबंदी करा करके जो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की चकबंदी कानून लाएंगे, चकबंदी कानून ऑलरेडी है, लाने की जरूरत नहीं है, चकबंदी कराना है। पर्वतीय क्षेत्रों में कभी भी चकबंदी ब्रिटिश राज के बाद कभी चकबंदी नहीं हुई, जो कि यहाँ कराना चाहिए था। अच्छा, अब चलते चलते क्योंकि वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, डॉक्टर सचान साहब, आप उत्तराखंड की आवाम इस वक्त आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की आवाम को? और क्या वाकई में, मेरा फिर वही सवाल है, रामपुर तिराहा कांड को लेकर आप माफी मांगेंगे जनता से? देखिए मैंने कहा अगर हम दोषी हैं, हमने कई बार माफी मांगी है, लेकिन बेसिकली हम दोषी नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो जिन आंदोलन जिन मुद्दों के लिए होगा, जल जंगल जमीन, रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, इन वादों को जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नेपथ्य में चली गई, भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला उत्तराखंड को बना दिया जाता है, इन दोनों दलों को मित्रवत विपक्ष जो सबसे बड़ी विडंबना है उत्तराखंड की, मित्रवत विपक्ष की वजह से है। और समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की जनता से आह्वान करती है, समाजवादी पार्टी ने कौशिक समिति बना करके डेवलपमेंट का रोड मैप बनाया था, और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो मिलिट्री कॉलेज के पढ़े हुए हैं, जो सिडनी से इंजीनियरिंग एमटेक इंजीनियर हैं, पर्यावरण में इंजीनियर हैं, और उनके द्वारा विकास किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के उसमें चले, उनके आह्वान पर चले, और हम विकास देंगे। डॉक्टर सचान साहब, आपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका दावा यह है कि 21 सालों में जो नहीं हुआ वो इस बार होगा। पहाड़ चढ़ेगी साइकिल, उम्मीद ये है कि किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका होगी, लेकिन किंग मेकर की भूमिका आखिरकार क्या हो पाएगी? क्या अब तक जो नहीं हुआ वो इस बार होगा? चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।